50 करोड़ का राज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मानसी जायसवाल। अगर आप फैमिली के साथ इस वीकेंड मस्ती और टाइम पास करने के लिए मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टोटल धमाल आपके लिए है। इस सीरीज की पिछली दो फिल्मों के प्रोड्यूसर इंद्र कुमार अपनी इस फिल्म में लीड किरदार के लिए एक्टर अजय देवगन को साइन करने गए तो उन्हें फिल्म की कहानी इस कदर पसंद आई कि अजय फिल्म के को प्रोड्यूसर बन बैठे। करीब 17 साल बाद स्क्रीन पर धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर ने वापसी की है। स्क्रिप्ट की डिमांड पर डायरेक्टर इंद्र कुमार ने फिल्म की शूटिंग विदेशों की रियल लोकेशन पर की। अब हम आपको फिल्म के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिसके बाद आप मूवी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की कहानी गुड्डू यानी अजय देवगन, पिंटू यानी मनोज पाहवा और जानी यानी संजय मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक एक दिन पिंटू के हाथ करोड़ों का मोटा खजाना लगता है। गुड्डू और जॉनी को धोखा देकर पिंटू इस खजाने को कहीं छिपा देता है। गुड्डू और जॉनी एक दिन पिंटू को ढूंढ तो निकालते हैं लेकिन उस वक्त उस मोटे खजाने की जानकारी अविनाश यानी अनिल कपूर, बिंदु यानी माधुरी दीक्षित और बाकियों को लग जाती है और अब ये सभी इस खजाने को हासिल करने के लिए उसकी जद्दोजहद में जुट जाते हैं। अब आखिरी में ये खजाना किसके हाथ लगता है इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है आखिर खजाना किसके हाथ लगेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और स्टोरीज को जानते रहने के लिए माय बॉलीवुड को सब्सक्राइब ज़रूर करें।